नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। जिस चीज का इंतजार था, आप बार बार पूछ रहे थे कि क्यों आईसीसी भारत में होने वाले 2023 वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी नहीं कर रहा है, तो ये लीजिए, आपका इंतजार खत्म हुआ और आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। 5 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये पहला मैच खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया अपना 8 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगी। लेकिन टीम इंडिया के पूरे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी बात वर्ल्ड कप को लेके भी हो जाए। पहला मैच खेला जाएगा 5 अक्टूबर को। इसके अलावा जो मैचेस खेले जाएंगे, फाइनल और सेमीफाइनल मैचेस, दो सेमीफाइनल मैचेस 15 नवंबर और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। दोनों ही मैचेस कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल होगा तो दूसरा होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वहीं फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 19 नवंबर को, कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो अब इस रिपोर्ट में टीम इंडिया के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में कब कब और किसके खिलाफ मैचेस खेलने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया के शेड्यूल की। तो टीम इंडिया को, आपको जैसा कि बताया कि पहला मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 8 अक्टूबर को चेपॉक में खेलेगी टीम इंडिया, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ेगी। वहीं 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलेगी, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भिड़ेगी। इसके बाद 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा मैच, पुणे में होगा। इसके बाद 10 दिन का गैप है, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद सीधा मैच होगा 29 अक्टूबर को इंग्लैंड में, और लखनऊ के इकराना स्टेडियम में मैच होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। इसके बाद 2 नवंबर को क्वालिफायर 2 मैच, जो कि अभी आप सभी को पता है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर मैच चल रहे हैं जिम्बाब्वे में, और जो 2 टीमें आएगी उसके क्वालिफायर 2 का जो मैच टीम इंडिया से है वो 2 नवंबर को है। इसके बाद 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में मैच है, और वहीं 11 नवंबर को क्वालिफायर 1 है, जो टीम आएगी क्वालिफायर 1 उससे मैच है बेंगलुरु में। तो ये है टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल, पूरा जो जो मैचेस खेलेगी, किस किस टीम के खिलाफ खेलेगी। और अगर बात करें, सवाल ये भी आ रहे हैं कि क्या इन मैचेस के लिए, ये जो वर्ल्ड कप में जो मैचेस हो रहे हैं, क्या उनके लिए रिजर्व डे हैं? तो अच्छी बात यह है कि फाइनल, सेमीफाइनल और नॉकआउट मुकाबलों के लिए रिजर्व डे रखा गया है, एक एक दिन का रिजर्व डे रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखा था अगर रिजर्व डे ना होता तो फाइनल मैच धुल जाता। तो सेमीफाइनल मुकाबले के लिए भी रिजर्व डे हैं, फाइनल के लिए भी एक दिन का रिजर्व डे रखा गया है। तो आप इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बारे में क्या कहेंगे? क्या टीम इंडिया पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर, या ऑस्ट्रेलिया कड़ी टक्कर दे पाएगी? क्योंकि चेन्नई की कठिन पिच पे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को दिक्कत होगी, तो टीम इंडिया के बल्लेबाज भी आसानी से खेल नहीं पाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आखिरी सवाल, जाते जाते, टीम इंडिया क्या 2011 वाला कारनामा दोबारा 2023 में कर पाएगी? रोहित शर्मा की टीम दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।